फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का एक छोटा सा अपडेट, साथ में सीतापुर से लखीमपुर रेलखंड पर हो रहे विद्युतीकरण कार्य का, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर जो फाउंडेशन का काम है कहाँ तक हो गया है। फिलहाल यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म नंबर 6 बनाया जा रहा है और ट्रैक डाल दिया गया है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आप बेल आइकन दबाकर जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है जो बनाया जा रहा है और काफी हद तक काम कर लिया गया है। हालांकि अभी लेवलिंग यानी कि मिट्टी पटान का कार्य नहीं हुआ है और यहाँ पर भी देखिएगा काम चल ही रहा है प्लास्टर का, तो बहुत काम बाकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। पेड़ वगैरह भी काटने होंगे जो इस बीच में पड़ रहे हैं। लखनऊ की दिशा ये गोरखपुर की दिशा में रूट जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स आपको जननायक एक्सप्रेस में मधुबन पेंटिंग का जो कोच लगा है वो दिखाते हैं, एक छोटा सा व्यू। फिर सीतापुर में लखीमपुर रोड पर क्रॉसिंग से इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट देते हैं आपको, व्यू दिखाते हैं वहां पर जहां पर मैंने आपको पहली बार इलेक्ट्रिफिकेशन का व्यू दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स मधुबन पेंटिंग वाला कोच लगा हुआ है जननायक एक्सप्रेस जो कि दरभंगा से चलकर अमृतसर जा रही है, एक ही कोच लगा है फिलहाल देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स सीतापुर में बनी लखीमपुर रोड पर क्रॉसिंग का थोड़ा सा व्यू लेते हैं, फिर वापस स्टेशन पर आते हैं, फिर आपको ट्रेन से व्यू दिखाते हैं गोरखपुर लखीमपुर एक्सप्रेस से सीतापुर सॉरी हरगांव तक की, या उसके आगे जहां कहीं भी फाउंडेशन बना होगा वहां तक आपको व्यू दिखाएंगे। यहां से देखिएगा फ्रेंड्स लखीमपुर की दिशा में रोड जाता हुआ और यहां पर सामने गेट नंबर 75 सीतापुर स्टेशन की तरफ रोड जाता हुआ लखीमपुर रोड, और आप देख सकते हैं पोल्स लगा हुआ है यहाँ पे। और शुरुआत में थोड़ी सी ये गलती रही कि जिस तरह से ये पोल दाएं दिशा में लगाए गए हैं लखीमपुर की दिशा में, आगे चलकर जो इसका रुख है वो बाएं दिशा में हो गया है, क्योंकि आगे जो फाउंडेशन बनाए गए हैं वो बाएं दिशाएं में बनाए गए हैं। और जबकि जब मैंने आपको 2 महीने पहले अपडेट दिया था तो यही सोच रहा था कि शायद मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है आगे, लेकिन ऐसा नहीं था, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बदस्तूर जारी था। जो फाउंडेशन का काम था वो काफ़ी समय से जारी है और आपको अभी हम दिखाते भी हैं ट्रेन से कि अभी कितना काम आगे फाउंडेशन तक हो गया है। तो पहले मैंने सोचा आप लोगों को ट्रैक से बनाकर वीडियो दिखाऊं, फिर अभी बाएं दिशा में थोड़ा आगे चलकर मैं आपको फाउंडेशन का भी अभी व्यू दिखाऊंगा जहाँ कहाँ तक फाउंडेशन बने हुए हैं, क्योंकि एक बार जब मैं रात में लगभग पिछले महीने आ रहा था तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ट्रेन में चैन पुलिंग हुई लखनऊ जंक्शन लखीमपुर पैसेंजर में, तब मैंने वहां पर देखा कि फाउंडेशन बने हुए थे, ये 1 महीने पहले की बात है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो फाउंडेशन बनाने का काम था वो काफ़ी समय से जारी था। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे संग और मैं आपको अब ट्रेन से व्यू दिखाता हूँ कि कहाँ तक फाउंडेशन बनाने का काम कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स हमारी ट्रेन गोमती नगर एक्सप्रेस सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर दी और यहीं जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट की है ये ट्रैक आगे बढ़ाया जा रहा है शाहजहांपुर की दिशा में, अभी हम आपको दिखाते हैं। और सामने हमारे बाएं दिशा में देखिएगा सीधे जननायक एक्सप्रेस भी डिपार्ट कर दी अमृतसर के लिए, और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नया ट्रैक बिछाया जा रहा है और यहाँ पर ये जो ट्रैक बिछाया जाएगा वो शाहजहांपुर की दिशा में जाकर मिल जाएगा जाके। आप देख सकते हैं आगे स्लीपर भी डाल दिए गए हैं ट्रैक बिछाने के लिए, फिलहाल अभी बैलास्ट डाली गई है और स्लीपर डालने का काम चल रहा है। और यहाँ सीतापुर रेलवे स्टेशन पर यार्ड के करीब में हम आपको दिखाते हैं SSP बन रही है। क्या होता है SSP? SSP का रेलवे में एक मतलब होता है सब सेक्शनिंग पैरेलिंग पोस्ट, और क्यों बनाए जाते हैं इसका हम आपको कारण बता रहे हैं आज। रेलवे इलेक्ट्रिसिटी किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी से परचेज करती है, फिर
वहां से ग्रिड के जरिए यहाँ पर सप्लाई आती है इस पावर स्टेशन में। और चूंकि जो OHE है उसको पावर सप्लाई वन फेज की जरूरत होती है, लेकिन जो ग्रिड से सप्लाई आती है वो थ्री फेज की होती है और उससे थ्री फेज की सप्लाई ली जा सकती है, इसी वजह से SSP का निर्माण कराया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी SSP के बारे में जानकारी, अगर गलत बोल गया हूँ तो सॉरी। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए फाउंडेशन बना लिए गए हैं बाकायदा सीमेंट और कॉन्क्रीट के जरिए, इसमें होल भी बना दिए गए हैं। फाउंडेशन का जो काम है वो यहाँ पर मजबूती के साथ किया गया है। और मैं आपको भी बीच में कुछ ऐसी जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर फाउंडेशन नहीं बनाए गए हैं, ठीक इसी तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फाउंडेशन का काम नहीं हुआ है। तो बात हम अगर सीतापुर से हरगांव के बीच में करें तो हरगांव से ठीक पहले तक तो थोड़ा सा फाउंडेशन का काम हुआ है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं छूट भी गया है। और ये आया है भुर्जिया बड़ा गांव हॉल्ट, और यहाँ पर भी फाउंडेशन का काम किया गया है और थोड़ा सा आगे भी किया गया है आप देख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अभी फाउंडेशन बनाया जा रहा है, वहाँ पे सीमेंट और कंक्रीट का यूज नहीं किया गया है जो मजबूती देता है इलेक्ट्रिक पोल को। और ये झरेकापुर हॉल्ट है और यहाँ पर भी अभी फाउंडेशन बनाने का काम नहीं हुआ है, लेकिन इसके आगे जो परसेहरा माल हॉल्ट है ये देखिए, तो यहाँ पर फाउंडेशन बनाने का काम कर लिया गया है। यानी कि जो रोड के बिल्कुल सामने का हिस्सा है ट्रैक के किनारे, रोड के किनारे, तो वहाँ पर फाउंडेशन बनाए गए हैं। और जो रोड से थोड़ा सा दूर पड़ रहे हैं वहाँ पर अभी फाउंडेशन बनाने का काम नहीं किया गया है। अभी मैं आपको वो हिस्सा दिखाऊंगा जहाँ तक फाउंडेशन बनाने का काम किया गया है। अभी फाउंडेशन बनाने वाली मशीन भी हम आपको दिखाएंगे जो गड्ढा खोद देती है, और बीच बीच में फाउंडेशन क्यों नहीं बनाए गए हैं और बनाए गए हैं कई जगह पर, इस बारे में अभी कारण नहीं पता है। शायद पहुंच से दूर हो इस वजह से फाउंडेशन नहीं बनाए गए। ये मशीन है जो निकल गई फाउंडेशन बनाने का काम कर रही थी और ये आखिरी फाउंडेशन था। तो फ्रेंड्स यहीं तक अभी फाउंडेशन बनाए गए हैं और उसके आगे अब हरगांव रेलवे स्टेशन आने वाला है और वहाँ पर भी फाउंडेशन का काम नहीं किया गया है। यानी कि हरगांव रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पहले या 1.5 किलोमीटर पहले तक फाउंडेशन बनाने का काम किया गया है। तो आपने फाउंडेशन बनाने वाली मशीन देखी और साथ में ये भी देखा कि आखिरी फाउंडेशन कहाँ पर बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स अब आपको थोड़ा सा ओवरब्रिज का नज़ारा दिखाते हैं जो सीतापुर लखीमपुर रोड पर हरगांव में बन रहा है, और यहाँ पर तालाब में मछलियाँ पकड़ते हुए लोग। तो चलिए अब आपको ओवरब्रिज का नज़ारा दिखाते हैं जो लखीमपुर रोड पर बन रहा है। और ये देखिए ये सीतापुर की दिशा से स्लोप जा रहा है लखीमपुर की दिशा में, और काफ़ी हद तक लगभग मान के चलिए 60-70% तक काम कर लिया गया है। हालांकि इस काम को पूरा होने में अभी 6 महीने का वक्त और लगेगा मेरे हिसाब से, ज़्यादा लग जाए तो और बात है। दोनों दिशा का मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये था एक इलेक्ट्रिफिकेशन सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और ओवरब्रिज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक छोटा सा अपडेट पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।